बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। सीएम से लेकर मंत्रियों तक सभी के विभागों का बंटवारा हो गया है। साथ ही नई सरकार में शामिल लोग अपने कार्यों में भी लग गए हैं, लेकिन आरजेडी को अभी भी बिहार में सरकार बनाने की उम्मीद है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ आने का ऑफर दिया। गामी ने कहा कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आना चाहिए और केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। साथ ही गामी ने कहा कि बिहार में ज्यादा दिन तक एनडीए सरकार चलने वाली नहीं है। अमरनाथ गामी ने कहा कि धांधली के बावजूद भी जो बहुमत मिला वो लाचार बहुमत है, ज्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें, बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। वही बिहार चुनाव में एनडीए 126 सीटों के साथ सबसे बड़ी गठबंधन है। इसमें बीजेपी 74, जेडीयू 43 और हम वीआईपी 4-4 और निर्दलीय विधायक शामिल है, जबकि महागठबंधन 110 सीटें जीतने में सफल हुई है। इनमें आरजेडी 75, कांग्रेस 19, वाम दल 16 सीटें जीतने में सफल हुई है। साथ ही एआईएमआईएम 5 और एलजेपी बीएसपी ने एक एक सीटें जीती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।